दोस्तों हमारे सामने जिस कलाकार को सुनने इतनी व्यवधानों के बावजूद आप सब आए हैं, अरशद अली साहब, उनका तालियों से स्वागत। इनका परिचय देने से पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा। हम सब जानते हैं कि संगीत केवल भारतीय शास्त्रीय संगीत ही एक ऐसा संगीत है जिसे हम पूजा के तौर पर देखते हैं, इबादत के तौर पर देखते हैं, प्रार्थना के तौर पर देखते हैं। और ये केवल एक कुछ रियाज करने से संभव नहीं होता। अगर केवल रियाज करने से संभव होता, बहुत लोग बहुत रियाजी हैं, वो बड़े बड़े कलाकार बन सकते थे। नहीं हो पाता है। कुछ तो रियाज से होता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कुछ पूर्व जन्म के कर्म होते हैं, कुछ बैंक बैलेंस पुराने जन्म का लाना होता है। उसके ऊपर में आप जितनी कमाई चाहे आप ऐड करते रहिए, वो अलग बात है। लेकिन एक जो कैरी फॉरवर्ड जब तक नहीं होता है तब तक बात नहीं बनती है, और वो तब होता है उसके साथ चाहिए गुरु का, विद्वज्जनों का आशीर्वाद। तपस्या है। एक शायर ने ठीक ही कहा है कि कदमों में सर हो, गुरु की बात कही गई है, कदमों में सर हो और उसका हाथ सर पे हो, काफिर हैं जो चाहते हैं कुछ और इसके बाद। तो हमारे अरशद अली खान साहब के पास ईश्वर ने दोनों ही चीज़ें दी हैं, गुरुजनों का आशीर्वाद भी है और कुछ न कुछ ये बालक ही कहूँगा मैं इसे, मुझसे आधी उम्र से भी छोटा है, कुछ न कुछ ये बालक पूर्वजन की कमाई लाया है। नहीं तो देखिए 25 साल 30 साल की उम्र हो जाती है और लोगों को पता नहीं चलता, दिशाओं का ज्ञान नहीं होता कि संगीत में हम कौन सी दिशा ढूंढ रहे हैं। संगीत रिसर्च अकेडमी कलकत्ता में है, आप सब जानते हैं, जहाँ से अजय चक्रवर्ती निकले, राशिद खान साहब निकले, कई बड़े बड़े, शुभ्रा गुहा वहाँ से निकली, कई बड़े बड़े लोग वहाँ से निकले। 18-20 साल की उम्र होने के बाद लोग वहाँ के लिए प्रयास करते हैं, इनकी उम्र में आने के बाद लोग वहाँ के लिए प्रयास करते हैं कि वहाँ एडमिशन मिले, किसी अच्छे गुरु के साथ सीखने को मिले। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 4 साल की उम्र में अरशद को संगीत रिसर्च अकेडमी में स्कॉलर का ही जगह मिल गई। मात्र 4 साल की उम्र में ये बालक ऐसा अद्भुत संगीत गाता था, ऐसे सरगम, ऐसे तान, ऐसी चीज़ें, लोग लगता था, विश्वास नहीं, कानों पे आँखों पे विश्वास नहीं होता था कि 4 साल का बच्चा ऐसा गा सकता है। तो ये तो आप सब जानते हैं कि ये बगैर ईश्वर की कृपा के संभव नहीं है। अरशद को स्थान मिला संगीत रिसर्च अकेडमी में, वहाँ किराने घराने के उस्ताद मशकूर अली खान साहब और मुबारक अली खान साहब, इन दोनों ने हाथों हाथ से बच्चे को ले लिया। और उसके बाद से जो संगीत की शिक्षा चली वो दौर, क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं होती, समझिए तो आज तक जारी है। किराना घराने का सबसे युवा प्रतिनिधि आपके सामने, 21वीं शताब्दी है जो आपके सामने बैठी हुई है, आप भरपूर तालियों से अभिनंदन करें। और याद रखें कि कल का किराने घराने का प्रतिनिधि ज्वलिमान नक्षत्र आपके सामने बैठा हुआ है। बहुत सारे इनाम मिले हैं, बहुत सारे उपाधियाँ मिली हैं, मैं इस बारे में बात नहीं कहूँगा, सबके सब विद्वान श्रोता हैं, पहले ही सुर लगाते ही पहचान जाते हैं, इसलिए ये सब ज़्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। आप तन्मय को तो जानते ही हैं, कितना सुंदर हारमोनियम तन्मय ने पिछली बार ओंकार के साथ लगाया था। पुणे से आए हुए हैं तन्मय, मुस्कुराते रहते हैं और एफर्टलेस ऐसी उंगलियाँ हारमोनियम पर चलती हैं, लगता है वाह क्या बात है। प्रमोद मराठे जी के शिष्य हैं और ये युवा कलाकार जो पहली बार आपके सामने तबला लेके बैठा हुआ, ये पुणे से हैं, श्री किशोर करडे, आप इनका कहाँ महाराष्ट्र पुणे और कहाँ बनारस का तबला, बनारस के श्री
अरविंद आज़ाद, उनके जो मेरे मित्र भी हैं, आपके सामने बजा भी चुके हैं, उनके शिष्य हैं ये, तो आज अपने गुरु का नाम रोशन करने ये तीनों ही कलाकार आज की युवा पीढ़ी आपके सामने आपका प्यार लेने, आपका अभिनंदन लेने आई हुई है। तो जहाँ ऐसे गुणी कलाकार बैठे हों और ऐसे सुखी श्रोता बैठे हों, वहाँ मेरे जैसे बेअदब इंसान का क्या काम। मैं आपके साथ आके बैठता हूँ और अरशद से प्रार्थना याद करता हूँ। तुमने जितना बोला मेरे बारे में बहुत ज़्यादा बोल दिया, मैं इस लायक नहीं हूँ, और मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे याद किया। सभी लोगों से इजाज़त लेके मैं राग यमन से अपना कार्यक्रम शुरू कर रहा हूँ। जो गलती हो जाए वो माफ़ कर दीजिएगा, जो गलती होगी वो मेरी होगी, और जो कुछ गाने में अच्छा होगा वो मेरे मामा का उस्ताद मुश्किल अली खान साहब का उस्ताद मर गए खान साहब का इजाज़त दीजिए।
Yeah.
Thank you.
Sa
Oh,
Yeah.
बहुत सारे लोग इसको आसान तरीके से गा रहे हैं। लेकिन ये बहुत आसान है, जो पुराना है वो इस तरीके से है इसका।
आ, 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 आ,